बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, एन टी एस टेस्टमाटो की जानिब से आप सबको अपने चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, हमने एक सिलसिला शुरू किया था पावर पॉइंट एमसीक्यूज का, और इस सिलसिले में 300 प्लस एमसीक्यूज होंगे, मे भी 500 तक पहुंच जाए। आज इस सिलसिले की वीडियो नंबर 3 है, पार्ट 3। दो पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, जिनके लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप उनको विजिट करके वॉच कर सकते हैं। और दूसरी बात ये बताना चाहता हूं कि एक सब्सक्राइबर, एक व्यूअर ने कमेंट्स किए कि प्लीज इसको एक्सप्लेन भी कर लिया करें। तो अगर मैं इसको एक्सप्लेन करना शुरू करूं तो दोस्तों यकीन जाने हार्डली 5 से 10 एमसीक्यूज अमल कर सकेंगे, इसलिए एक्सप्लेन करने की ज्यादा जरूरत नहीं, जस्ट करेक्ट ऑप्शन आपको बताता जाऊंगा ताकि हम इस सीरीज को जल्द अज जल्द मुकम्मल करके बाकी सीरीज भी हम शुरू करें, एक्सेल, वर्ड और एक्सेस वगैरह के। तो चलिए शुरू करते हैं आज क्वेश्चन नंबर 46। 46 नंबर क्वेश्चन से शुरू करते हैं, 45 तक हम ऑलरेडी हल कर चुके हैं। आज क्वेश्चन नंबर 46 से, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड यू यूज इफ यू वांट ऑल द स्लाइड्स इन द प्रेजेंटेशन टू हैव द सेम लुक। इस बात को याद रखें, तो सेम लुक के लिए आपको क्या चूज करना पड़ेगा, प्रेजेंटेशन डिजाइन टेम्पलेट को चूज करना पड़ेगा दोस्तों, याद रखें। और क्वेश्चन नंबर 47 देखे, 47 नंबर क्वेश्चन को, 47 नंबर क्वेश्चन, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एनिमेशन, यानी एनिमेशन के बारे में, व्हाट इज अ ट्रिगर, ट्रिगर क्या चीज है, जब आप एनिमेशन को प्ले करते हैं तो उसमें एक लफज आता है ट्रिगर, तो ट्रिगर क्या चीज है, दिस इज ऑप्शन बी को देखे, एन आइटम ऑन द स्लाइड दैट परफॉर्म्स एन एक्शन व्हेन क्लिक्ड, जिसको जब क्लिक किया जाता है तो वो एक एक्शन परफॉर्म करता है। ये ट्रिगर लफ्ज जो है ना, ये डेटाबेस में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, 48 नंबर क्वेश्चन को, 48 नंबर क्वेश्चन, इफ यू हैव अ पावर पॉइंट शो यू क्रिएटेड and want to send using email to other teacher, you can add the show to your email messages as, अगर आपने प्रेजेंटेशन तैयार की है और आपने किसी दोस्त को उसको भेजना चाहते हैं तो ईमेल में उसको कैसे भेजेंगे, उसको अटैचमेंट के जरिए है ऑप्शन। ये तो मेरे ख्याल में इजी क्वेश्चन है, इतना मुश्किल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, 49 नंबर क्वेश्चन को, इन ऑर्डर टू एडिट अ चार्ट यू कैन, अगर चार्ट को आप एडिट करना चाहें तो आप क्या कर सकते हैं, यू कैन डबल क्लिक द चार्ट ऑब्जेक्ट, चार्ट ऑब्जेक्ट को अगर आप डबल क्लिक करोगे तो वो एडिटेबल मोड में चला जाएगा, चार्ट ऑब्जेक्ट को डबल क्लिक करने से एडिटेबल मोड में चला जाता है, वहां से आप उसको एडिट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 नंबर क्वेश्चन को देखें, टू एग्जिट द पावर पॉइंट, पावर पॉइंट काम आपने खत्म किया, आप उससे एग्जिट करना चाहते हैं, बाहर जाना चाहते हैं, तो ऑप्शन सी देखिए, डबल क्लिक द एप्लीकेशंस कंट्रोल मेनू आइकन, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन है। और आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 51 को, 51 नंबर, टू प्रीव्यू अ मोशन पाथ इफेक्ट यूजिंग द कस्टम एनिमेशन पास पैनल यू शुड, एनिमेशन मोशन को आपने प्रीव्यू करना है तो आपको क्या करना है, क्लिक द प्ले बटन, वहां पर एक बटन होता है प्ले, तो उस पर क्या होगा, जो एनिमेशन आपने अप्लाई किया है वो शो हो जाए, उसकी प्रीव्यू आ जाएगी कि आप कैसे चाहते हैं, अगर आपको पसंद है तो उसको अप्लाई कर ले, अदरवाइज उसको चेंज कर ले। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, 52 नंबर क्वेश्चन को, 52 नंबर क्वेश्चन, यू कैन क्रिएट अ न्यू प्रेजेंटेशन बाय कंप्लीटिंग ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, न्यू प्रेजेंटेशन अपलोड करना चाहते हैं तो क्या कर सकते हैं, क्लिकिंग द न्यू बटन, न्यू बटन यस, क्लिकिंग फाइल न्यू ये भी कर सकते हैं, क्लिकिंग फाइल ओपन नहीं कर सकते आप, और इसमें फाइल बाकी तमाम कर सकते हैं एक्सेप्ट सी, सी से नहीं कर सकते क्योंकि ओपन से तो पुराना एन एग्जिस्ट प्रेजेंटेशन ओपन हो जाएगा, न्यू क्रिएट नहीं होगा, बाकी तीनों तरीकों से आप न्यू प्रेजेंटेशन क्रिएट कर सकते हैं।
53 नंबर तक देखिए, यू कैन एम्बेड एन एस ओ ऑर्गेनाइजेशन चार्ट इन अ स्लाइड बाय, आपने प्रेजेंटेशन तैयार किया और उसको एम्बेड करना चाहते हैं चार्ट में, तो आप क्या कर सकते हैं? ऑप्शन बी देखिए, क्लिकिंग द ऑब्जेक्ट कमांड ऑन द एडिट मेनू, वहां से आप उसको एम्बेड कर सकते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है। और क्वेश्चन नंबर 54 देखिए, 54 नंबर क्वेश्चन, टू सेलेक्ट वन हाइपरलिंक आफ्टर अनदर ड्यूरिंग अ स्लाइड प्रेजेंटेशन, व्हाट डू यू प्रेस, आपको क्या करना पड़ेगा? आपको टैब बटन करना प्रेस करना पड़ेगा, टैब बटन। और क्वेश्चन नंबर 55 देखिए, 55 नंबर क्वेश्चन कहते हैं, स्पेशल इफेक्ट्स यूज्ड टू इंट्रोड्यूस स्लाइड्स इन अ प्रेजेंटेशन आर कॉल्ड, दे आर कॉल्ड व्हाट, दे आर कॉल्ड ट्रांजिशंस, स्पेशल ट्रांजिशन स्पेशल इफेक्ट्स है। क्वेश्चन नंबर 56 से के 56 नंबर क्वेश्चन, यू कैन एडिट एन एम्बेडेड ऑर्गेनाइजेशन चार्ट ऑब्जेक्ट बाय व्हाट, बाय ए और बी दोनों से, ए और सॉरी बी और सी से, डबल क्लिकिंग द ऑर्गेनाइजेशन चार्ट ऑब्जेक्ट, उसको डबल क्लिक करें या उस पर राइट क्लिकिंग द चार्ट एंड देन एडिट, उस पर एडिट पर क्लिक करें, तो बी एंड सी बोथ आर करेक्ट ऑप्शन, डी इज अ करेक्ट ऑप्शन। 57 नंबर क्वेश्चन देखिए, 57 नंबर क्वेश्चन को, व्हाट इज द टर्म यूज व्हेन यू प्रेस एंड होल्ड द लेफ्ट माउस की एंड मोर द एंड मूव द माउस, ये मोर नहीं है, अराउंड द स्लाइड, ये मूव लफ्ज है, ठीक है, इसको क्या कहते हैं? व्हाट इज द टर्म, इस टर्म को क्या कहते हैं? द टर्म इज कॉल्ड ड्रैगिंग, ये तो मेरे ख्याल में इजी है, इतना मुश्किल काम नहीं है ड्रैगिंग, ये सिर्फ प्रेजेंटेशन में नहीं, हर जगह आप ये कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 देखिए, 58 नंबर क्वेश्चन को, विच ऑफ द फॉलोइंग टूल बार्स प्रोवाइड डिफरेंट ऑप्शन इन वेरियस मास्टर व्यू, मास्टर व्यू ये कमांड टास्क टूल बार, कॉमन क्रॉस टूल बार, ऑप्शन ए कॉमन टास्क टूल बार इज अ करेक्ट ऑप्शन। एंड क्वेश्चन नंबर 59 देखिए, How can you create a uniform appearance by adding a background image to all slides? ये भी एक क्या कहते हैं कि ये रिपीटेड क्वेश्चन है, एडिट द स्लाइड मास्टर, स्लाइड मास्टर और वहां पर एक ही तरह की अप्लाई करें, तो क्वेश्चन ऑप्शन बी करेक्ट है 59 में सॉरी। और क्वेश्चन नंबर 60 को जरा देखें, हाउ डू यू क्रिएट स्पीकर नोट्स पेज that show the slides, related notes and your company logo on each page, कैसे क्रिएट कर सकते हैं? ऑप्शन ए को देखें, एडिट द नोट मास्टर्स एंड एड योर कॉपनी लोगो, ये वाई लिखा ये लोगो है, ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है। और क्वेश्चन नंबर 61 देखें, 61 Which option on the custom animation task pane allow you to apply a preset or custom motion path? Custom motion path कहाँ से apply कर सकते हैं? Add effect से, add effect option A correct option है। और question number 62, 62 number question को देखिए दोस्तों, what is the term used when a clip art image change the direction of faces? That is called what? रोटेट, रोटेशन तो आप जानते होंगे, ऑप्शन सी करेक्ट है। और क्वेश्चन नंबर 63 देखिए, 63 नंबर क्वेश्चन, द स्लाइड डेट इज यूज टू इंट्रोड्यूस अ टॉपिक एंड सेट द टोन फॉर द प्रेजेंटेशन इज कॉल्ड व्हाट, दैट इज कॉल्ड टाइटल स्लाइड, ये भी इजी है। और क्वेश्चन नंबर 64 देखिए, 64 नंबर क्वेश्चन, Which of the following features should you use when typing in the notes text box? आपको क्या करना पड़ेगा? Zoom in फीचर इस्तेमाल करना पड़ेगा, ऑप्शन डी है। और क्वेश्चन नंबर 65 देखे, 65 नंबर क्वेश्चन, Which option allow you to select line, curve, free form or scribble tools? तो ऑप्शन ड्रा कस्टम पाथ, ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन, इसमें ऑप्शन सी है। और क्वेश्चन नंबर 66 देखे, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी यूज व्हेन यू वांट टू ऐड अ स्लाइड टू एन एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन,
इसका शॉर्टकट की भी मैं आपको बता चुका हूं, लेकिन यहां पर आप क्या कर सकते हैं, यहां पर इंसर्ट न्यू स्लाइड, इंसर्ट मीनिंग या टैब पे जाकर वहां पर न्यू स्लाइड इंसर्ट कर सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 67 देखें, द साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन चार्ट ऑब्जेक्ट, उसका साइज के मुताबिक क्वेश्चन है, तो डेट इज बी और सी इसमें करेक्ट ऑप्शन है, बी और सी। सो द करेक्ट ऑप्शन इसमें एक्चुअली ऑप्शन डी है, बी सी दोनों करेक्ट है, तो ऑप्शन डी बी एंड सी। क्वेश्चन नंबर 68 नंबर क्वेश्चन देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिफॉल्ट पेज सेटअप ओरिएंटेशन ऑफ स्लाइड इन पावर पॉइंट, न सिर्फ पावर पॉइंट में बल्कि वर्ड और एक्सेल में भी ऐसा ही है, लैंडस्केप ऑप्शन नहीं, ये पोर्ट्रेट ऑफ वर्ल्ड और एक्सेल में पोर्ट्रेट, पावर पॉइंट में ये लैंडस्केप है, ऑप्शन बी है, ये भी याद रखें दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 69 देखिए, 69 नंबर, वांट अ पावर पॉइंट एल्बम स्लाइड शो टू प्ले कंटिन्यूअसली, तो फिर आपको क्या करना है, यूज रैंडम स्लाइड ट्रांजिशन, ऑप्शन नो, लूप कंटिन्यूअसली इसमें आना चाहिए। हा यू अब यू वॉन्ट टू पावर पॉइंट फो टू एल्बम स्लाइड शो टू प्ले कंटिन्यूअसली लूप, यहां पर पावर स्लाइड शो में चला जाए तो वहां पर लूप कंटिन्यूअसली आपको आएगा। ये रैंडम तो ऐसा इस्तेमाल होता है कि कभी एक स्लाइड ये रैंडमली तरतीब से नहीं होगा। तो क्वेश्चन नंबर 69 में ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है। और क्वेश्चन नंबर 70 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 70, व्हाट इज डिफाइंड बाय द हैंड आउट मास्टर, हैंड आउट मास्टर क्या करता है, लेआउट ऑफ एविडेंस हैंड्स आउट नोट्स, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो, 25 एमसीक्यूज हो गए, बाकी इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।